बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम थ्री क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर जूनियर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको आपके टेस्ट की रिवीजन करवाऊंगी। आप सबसे पहले अपनी ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन ओपन करेंगे और उस पर देखेंगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, इसम सिफ्त वो लफ्ज़ है विच डिस्क्राइब्स, जो वजाहत करता है अ नाउन, एक नाउन की। ई डॉट जी, ई डॉट जी, गुड अच्छा, बैड बुरा, लॉन्ग बड़ा, शॉर्ट छोटा, न्यू नया, ओल्ड पुराना, ई टी सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, इसम सिफ्त वो लफ्ज़ है विच डिस्क्राइब, जो के वजाहत करता है अ नाउन, एक नाउन की। ई डॉट जी, गुड अच्छा, बैड बुरा, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, न्यू नया, ओल्ड पुराना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ई टी सी लिखेंगे आप लोग। इसी तरह से आप अपनी टेस्ट की नोटबुक ओपन करेंगे और यहाँ पर पेज रेडी करेंगे। ट्यूसडे कोमा 1 सितंबर कोमा 2020, इसके बाद आप डॉट पुट करेंगे और ये है आपका टेस्ट नंबर, टेस्ट वन। वन को आप ब्रैकेट करेंगे, इसके बाद आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। और क्योंकि आपके काम में आज एक ही डेफिनेशन है, तो मैं आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। एन एडजेक्टिव इसम सिफ्त वो सिफ्त इसम है, इज़ अ वर्ड, एक इसम सिफ्त वो इसम है जो विच डिस्क्राइब, जो कि वजाहत करता है अ नाउन, एक नाउन की, नाम की। इसम सिफ्त, नाउन को उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं। ई डॉट जी, गुड अच्छा, बैड बुरा, लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा, न्यू नया, ओल्ड पुराना, ई टी सी, यहाँ पर डॉट पुट करेंगे और आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है ई डॉट जी पर। गुड के बाद कॉमा पुट करेंगे, बैड के बाद कॉमा पुट करेंगे, लॉन्ग के बाद कॉमा पुट करेंगे, शॉर्ट के बाद भी कॉमा पुट करेंगे और न्यू के बाद कॉमा पुट करेंगे और ई टी सी के बाद आप डॉट पुट करेंगे, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जब एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखेंगे, चाहे आपका टेस्ट हो रहा हो या आपके एग्ज़ाम्स में, आप 6 या 7 आप इसकी एग्ज़ाम्पल्स देंगे। एग्ज़ाम्पल्स 6 या 7 होनी चाहिए, ताकि अगर एक में मिस्टेक हो जाए या 2 में मिस्टेक हो जाए तो आप फुल मार्क्स ले सकें। और इसी तरह से फिर आप टेस्ट के लिए नोटबुक अपनी ओपन करके पेज के राइट साइड पर आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और पेज रेडी करेंगे। ट्यूसडे कोमा 1 सितंबर कोमा 2020 डॉट पुट करेंगे, टेस्ट नंबर है 1, टेस्ट नंबर 1 डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी मैंने आपको आज रिवाइज करवाई है? एडजेक्टिव की, ए डी जे ई सी टी आई वी ई। अपना डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद, अपना टेस्ट करने के बाद आप अपना नेम लिखेंगे, एन ए एम ई नेम, चाहे आपकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर ख़त्म हो या इसी पेज पर, आप अपना काम कंप्लीट करने के बाद अपना नेम एंड क्लास लिखेंगे। बड़ी अच्छी राइटिंग में आप अपना काम करके टेस्ट करके
ठीक क्लास आप ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं देखती हूँ को किस बच्चे ने अपनी राइटिंग इम्प्रूव की है और किस बच्चे ने लूज़ की है। तो ये था हमारा आज का काम, ये थी हमारी आज की टेस्ट की रिवीजन। ओके, अल्लाह हाफिज़।